ऑल राइट गाइज, तो गाइज आज हमने ले लिया है ये ग्लूकॉन डी और हमने ले लिया है कुछ कैरोसिन, इसको हम हिंदी में मिट्टी का तेल कहते हैं। तो आज हम इस कैरोसिन में इस ग्लूकॉन डी को डालेंगे, फिर देखेंगे कि हमें क्या रिएक्शन देखने को मिलता है। तो वैसे हमने एक्सपेरिमेंट को कभी ट्राई नहीं किया है, तो आज हम ट्राई करेंगे और फिर देखते हैं कि क्या रिएक्शन देखने को मिलता है हमें। तो वैसे आप इस कैरोसिन का कलर देख लीजिए, ये प्योर येलो है, और फिर देखते हैं कि रिएक्शन में इसका कलर चेंज होता है या इसकी और कोई प्रॉपर्टी चेंज होती है। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसको हम तगड़े स्टाइल से अब इस ग्लास में डालते हैं। इतना बचाए रहेंगे थोड़ा इसका डिफरेंस देखने के लिए। तो चलिए स्टाइल बहुत हो गई, अब हम इसको इस ग्लूकॉन डी को निकालते हैं स्पून में। इतना बहुत है, तो चलिए अब हम इसको इस कैरोसिन में डालते हैं। तो ग्लूकॉन डी मिलाने के बाद अब आप डिफरेंस देख सकते हैं, इसका कलर डार्क है, इसका कलर लाइट हो गया है। और चलिए अब देखते हैं कि इसकी जो जलने की प्रॉपर्टी है वो बची है या वो भी ख़त्म हो गई। जो कैरोसिन जलता है क्या वो जलेगा अब या अब जलेगा भी नहीं वो। तो चलिए फिर इसको जला कर देखते हैं। तो गाइज हमने न्यूज़पेपर ले लिया, अब इसके ऊपर इस कैरोसिन को डालेंगे, फिर देखते हैं कि ये जलेगा या नहीं। अब हम इसमें आग लगाएंगे। तो गाइस जैसा कि दिख रहा है कि इसकी जलने वाली प्रॉपर्टी नहीं गई है, सिर्फ इसका कलर ही चेंज हुआ है। और ये आराम से जल रहा है, इसमें जलने में कोई कमी नहीं है। तो गाइज़ अगर आपने यहाँ तक हमारे वीडियो को देख ही लिया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले एक्सपेरिमेंट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।